हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.5। अपने आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। आपने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक का तो पढ़ ही लिया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसको इवेल्युएट करना है। सो अपन 99 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट मतलब तोड़ना। सो इसको अपन तोड़ेंगे 100 माइनस 1 के क्यूब में। देखिए ये a माइनस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी बन गई, a माइनस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। हेयर a की वैल्यू कितनी है 100 एंड b की वैल्यू 1। माइनस 1 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अपन ऑलरेडी माइनस की ही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब वो यहाँ पे पूरे इसमें वैल्यू पुट करिए। 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। चलिए 100 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, लेकिन 2 जीरो का क्यूब 6 जीरो होंगे। माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 इंटू 2 30,000 प्लस 300। चलिए स्टूडेंट अब अपन माइनस करते हैं। माइनस कैसे करेंगे जल्दी बताइए मुझे। अपन ये दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को भी प्लस करते हैं। 100 0 0 300 0। अच्छा 30,000 में से 1 गया तो कितना बचा, सॉरी प्लस करना है तो ये हो जाएगा 300 0 0 1, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है। चलिए अब इन दोनों को माइनस करते हैं, मैं आपको साइड में करके बताती हूँ। देखिए 1 0 0 0 3 10 9 2, ये हो गया 10 में से 1 गया, 9 9 ये 2 तो 0 ही, ये 10 ये 9 ये 0, 10 में से 3 गया तो 7 बचा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको, 10 में से 3 गया तो 7 ऑन दिस इज 9, सो आंसर इज 970211। ओके स्टूडेंट, चलिए अब अपन सेकेंड इसका पार्ट करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, 102। सेकेंड पार्ट इज 102 का होल क्यूब। 102 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 100 प्लस 2 में। देखिए एक माइनस की आइडेंटिटी हो गई और एक प्लस की आइडेंटिटी हो गई। ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए की जगह पे 100 है और बी की जगह पे 2 है, सो 100 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर। देखिए 100 का क्यूब मैंने आपको बताई थी, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 जीरो का क्यूब 6 जीरो हो जाएंगे प्लस 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8 प्लस 3 टू ज़ 6 60,000 प्लस 4 3 ज़ 12 क्योंकि 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 ज़ 12 12 इंटू 100 1200। अब सबको प्लस करना है अपने को, चारों को 8 0 2 1 6। देखिए इसका आंसर आएगा 0 1। ये हो गया स्टूडेंट। अब इसके थर्ड पार्ट में है 998 का होल क्यूब। चलिए वो भी करते हैं, 998 का होल क्यूब।
थर्ड पार्ट 998 का होल क्यूब। चलिए 998 को स्प्लिट करिए। स्प्लिट करते इजीली 1000 माइनस 2 में, क्योंकि 1000 में से 2 गया तो 998 आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एक ही माइनस वाली, चलिए आइए देखिए इस माइनस वाली आइडेंटिटी लगेंगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब सॉरी माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यहाँ ए की जगह पे है 1000 एंड बी की जगह पे 2 है। चलिए पुट करिए 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर। देखिए चलिए 1000 का क्यूब क्या होता है, ए 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 3 0 का क्यूब 9 0 हो जाएंगे, 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और उसके साथ 6 0 क्योंकि स्क्वायर है, प्लस कितना और 4 3 जा 12 1200, इसका आंसर हुआ। सो पहले इन दोनों को प्लस कर लीजिए, फिर इन दोनों को प्लस कर लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, दो तीन दो तीन पाँच चार पाँच वन टू दो तीन जीरो माइनस सिक्स एक दो तीन चार पाँच, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट 9940111992। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। चलिए अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है फैक्टराइज द फॉलोइंग। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग में क्या है, अब इस बार अपने पास उल्टी आइडेंटिटी टूटी हुई है। 8 ए क्यूब, 8 किसका होता है 2 का होता है क्यूब प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए क्या है 2 ए का होल स्क्वायर इंटू इंटू बी प्लस 3 इंटू 2 ए इंटू बी का होल स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी हुई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी के होल क्यूब की, वेयर ए इज इक्वल्स टू 2 ए एंड बी इज इक्वल्स टू बी। सो यहाँ क्या आएगा 2 ए प्लस बी का होल क्यूब, ये आंसर हो गया स्टूडेंट इसका, बहुत ही सिंपल था। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में है इसके 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर, क्या हो गया 6 ए बी स्क्वायर हो गया। चलिए इसको स्प्लिट करिए। सो ये स्प्लिट फिर वही 2 का क्यूब बी का होल क्यूब माइनस सेम है बस स्टूडेंट साइन की साइन डिफरेंट है, आपने माइनस देखे मतलब इसमें माइनस की आइडेंटिटी आएगी 3 इंटू 2 ए का होल स्क्वायर इंटू बी। देखिए ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है, 3 इंटू 2 ए इंटू बी का स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए अभी ए की जगह पे 2 ए है यहाँ पे भी और बी की जगह पे बी है, सो ये टूटा 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते स्टूडेंट। थर्ड पार्ट में है 27 माइनस 125 ए स्क्वायर सॉरी क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। चलिए इसको कैसे स्प्लिट करा जाएगा, स्प्लिट तो ये ऑलरेडी है, अब इसको छोटे टर्म में बनाना है। सो ये हो जाएगा 3 का क्यूब
माइनस 5a का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 इंटू 5a का स्क्वायर। माइनस की आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b का क्यूब। a माइनस b का क्यूब, इधर a की जगह पे 3 है और b की जगह पे 5a है। मेरे को कैसे पता चला 27 3 का क्यूब होता है? क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 27 एंड 125 5 का होता है। तीन बार 5 को मल्टीप्लाई करिए आप, 125 ही आएगा। अभी ये देखिए, ये बना 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब आप फोर्थ पॉइंट इसका ट्राई करिएगा। अब मैं डायरेक्टली आपको फिफ्थ पॉइंट बताऊंगी स्टूडेंट। इसका फिफ्थ पॉइंट है 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 27 किसका होता है, अभी अपन ऊपर देखे थे, और 126 6 का होता है। 6 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 p स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3 p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर। चलिए ये माइनस की आइडेंटिटी बनी है, a क्यूब माइनस b क्यूब। किसकी आइडेंटिटी बनी है? a क्यूब माइनस b क्यूब की। माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल क्यूब। ए की जगह पे क्या है स्टूडेंट? यहाँ 3 p और बी की जगह पे 1/6। आ रहा है आपको समझ में? ये बना 3 p माइनस 1/6 का होल क्यूब। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 8 भी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है चलिए देखिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9th में वेरीफाई दैट, एक आइडेंटिटी दी है, इसको प्रूफ करना। वेरीफाई मतलब प्रूफ करना होता है स्टूडेंट। प्रूफ करेंगे ये LHS है, ये RHS है। इक्वल्स टू किधर वाला LHS होता है? इक्वल्स टू किस साइड वाला RHS होता है? तो अपन RHS लेकर LHS लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। RHS लिख दीजिए, और RHS क्या है उसके सामने लिखिए, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे। एक्स इंटू एक्स क्यूब स्क्वायर, एक्स क्यूब एक्स इंटू दिस, एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू दिस, एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई वाई इंटू दिस, माइनस एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू वाई, प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल। ये बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पॉइंट इज सॉल्व। चलिए इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इसका भी RHS लेकर सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस वाई RHS हुआ इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स इंटू दिस एक्स क्यूब एक्स इंटू दिस एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू दिस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कैंसल। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब LHS इज इक्वल्स टू RHS। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।